the mission in this country. But I'd like to pose a question to the Honorable Minister through you, Chairman Sir. We have a lot of industrial parks and industrial zones in the country. So, सब प्रदेश में वो है, उसमें आप ये सुविधा देंगे इंडस्ट्रियल पार्क में एसडीसी बनाने का कोई रूपरेश आपके नजर में है? Have you given any direction to the state governments to have these type of centers so that unskilled and semi-skilled can be skilled skilled labors को बनाने में आपका क्या what action you are going to take is my particular question, sir. Thank you, sir. हम कौशल्य बढ़ाने के इन योजनाओं पर विचार कर रहे हैं. जहां तक इंडस्ट्री पार्क बनाने की बात है, वो इंडस्ट्री और राज्य और केंद्र का विषय है, लेकिन हम उसके लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के काम पर गंभीरता से लगे हैं. हम सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने, इंडस्ट्री 4.0 पर भी हमारा डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है और हम अब नई ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है. ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग भी हम आईटीआई में लॉन्ग टर्म कोर्सेज 3 जगह शुरू कर चुके हैं, 3 कोर्सेज. और साथ में हम साइबर सिक्योरिटी और इन तरह के डाटा एनालिटिक्स, इन सब को करके नई इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं. पार्क बनाने के काम राज्य और केंद्र और संबंधित राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे और एम्प्लॉयड लेट ट्रेनिंग को हमारा डिपार्टमेंट प्राथमिकता के रूप में, टारगेट के रूप में ले रहा है, जैसा माननीय सदस्य की अपेक्षा है. और ट्रेनिंग में इंडस्ट्री पार्टनर को ही विशेष महत्व देते हैं. हम 37 सेक्टर स्किल काउंसिल हम बनाए हुए हैं. जो इंडस्ट्री लेड है, उसका उद्देश्य इंडस्ट्री के को बढ़ावा देना और इंडस्ट्री में उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार से कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना. श्री जगदम्बा पाल जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ. संख्या बोल दो आप. 13. माननीय मंत्री जी, आप पूछो. माननीय सदस्य, आप पूछ लें. मैं आभारी हूँ आपका अपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और जो माननीय मंत्री जी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट पे या